इस एड एसोसिएशन जिसके लिए ये आज की शाम सजाई गई है, आई थिंक ये एक ऐसा एसोसिएशन है जो जिसको हम बरसों से जानते हैं, हम कई बार इनसे जुड़े भी हैं और वो ऐसे संगीत के भी अनेक प्रोग्राम्स करते हैं और इस तरह के आर्ट एग्जीबिशंस विच आर लाइक रियली नॉट ओनली बिकॉज पीपल विल नॉट बाय बिकॉज जस्ट इट्स फॉर एन एनजीओ बट दे विल बाय द स्टफ बिकॉज इट्स ब्यूटिफुल एंड रियल आर्ट से ये जुड़ा हुआ है ये एसोसिएशन। तो हमें बहुत ही खुशी है कि आज हम इनके साथ जुड़े हैं एंड वी रियली लव्ड सम ऑफ द वर्क्स। सो अभी बॉम्बे इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर अवेयर ऑफ ग्रेट आर्टिस्ट फ्रॉम ऑल अक्रॉस इंडिया एंड अक्रॉस द ग्लोब एंड टुडे आई थिंक इट्स अ ग्रेट शो पुट अप बाय CPA एंड आई होप एंड आई विश एंड आई प्रे दैट पब्लिक विल कम एंड लैप अप ऑल दिस वर्क एंड काफ़ी एसोसिएशन को भी इससे बहुत मदद होगी एंड इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल यू व्यूअर्स दैट आई थिंक यू शुड मेक इट अ पॉइंट एंड स्पेंड सम टाइम। ये रेनी सीजन में आई थिंक यू शुड स्पेंड लॉट ऑफ टाइम हियर, कम टू दिस ब्यूटिफुल एग्जीबिशन एंड पिक अप द आर्ट वर्क। सोनाली ने जो कहा मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि ये एक ऐसा खूबसूरत, ये दुनिया ही अलग है, ये एक आर्टिस्ट की दुनिया है और अच्छे काम के लिए ये एग्जीबिशन का आयोजन किया है। तो मेरी भी ये दरख्वास्त है आप सब से कि आप आगे आगे बढ़ें और आकर के जो है वो इसमें से खूबसूरत आर्ट जो है वो आप अपने घर में रखना चाहें, किसी को गिफ्ट देना चाहें, तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती कि एक पंथ और दो काज, कि आपका अपना काम भी हो जाता है और आप ऐसे एसोसिएशन ऐसे चैरिटी के लिए आप काम कर रहे हैं कि सारी दुनिया को जिसकी ज़रूरत है। डेफिनेटली देखिए, कैंसर एक ज़माने में तो हमें पता भी नहीं था, हमने सुना भी नहीं था, लेकिन आजकल कैंसर ऐसा हो गया है जैसे सर्दी खांसी होती है। हर तीसरे चौथे घर में कोई ना कोई कैंसर से पीड़ित है, तो ये सबसे ज़्यादा चिंता की बात है हम लोगों के लिए कि स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया है और जो खान पीन और जो टेंशन की लाइफ में हम लोग जी रहे हैं, तो उसमें ये है कि जो लोग पैसे वाले हैं उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, वो तो लंदन से भी डॉक्टर बुला लेते हैं और वो अपनी दवाई अपना इलाज जो है दुनिया भर में करवा सकते हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली है या जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनके लिए तो हॉस्पिटल जाना भी मुश्किल है। तो एक सिर्फ टाटा हॉस्पिटल है, तो इस तरह से ज़्यादा हॉस्पिटल बनने चाहिए जहाँ पर फ्री इलाज हो लोगों का और दुनिया के अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को वहाँ बुलाया जाए। और उसके लिए हम सब कलाकार तैयार हैं, हमारी तरफ से हम जो भी योगदान बन पड़ता है हम लोग सब करते हैं। एक सालाना प्रोग्राम CPA करता है ख़ज़ाना, तो ख़ज़ाना भी इसी वजह से होता है कि वो कैंसर पीड़ित लोगों के लिए जो फंड रेजर होता है, और आज का ये एग्जीबिशन भी इसीलिए हो रहा है, ये बहुत। लेकिन मुझे लगता है कि CPA ऑलरेडी इसमें बहुत ही कार्यरत है और कई सालों से, लेकिन ऐसा ही अगर CPA की तरह अगर 5-6 और ऑर्गेनाइजेशन अगर इंडिया में हो जाए तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक राहत मिल सके। से ये काम कर रहे हैं, ये उनका 11th एग्जीबिशन है और जैसे मैंने कहा कि आर्टिस्टिक लोगों का साथ में आना, अंडर प्रिविलेज्ड
बच्चों के लिए जो कैंसर के पेशेंट्स हैं जिन, और कैंसर एक ऐसी डिजीज़ है जो इतनी महंगी होती है उसको ट्रीट करना, कि जितने ऐसे एनजीओज हो, ऑर्गेनाइजेशंस हो, कम पड़ते हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरे जन्मदिन के एक दिन पहले मैं एक ऐसे चीज़ से एसोसिएटेड हूँ जो लाइफ किसी और को दे, शायद कोई बच्चा हो जो आज की वजह से क्योर हो जाए और अपना जन्मदिन बिता सके। तो मैं बहुत खुश हूँ और ये अच्छा कॉज है। 11 साल से ये कर रहे हैं और आई होप कि ये सालों साल तक चले और मैं हर साल, अगर मैं टाउन में हूँ, मैं बॉम्बे में हूँ, तो मैं आ सकूँ और इनको सपोर्ट दे सकूँ। We're just with very close family and friends, very very close people. I think year by year you feel that jitne kam log ho, jitne actually well wishers ho, utni better ho. Bheed bhaad nahi chahiye. You want to actually on that day enjoy yourself. इसलिए उनके लिए ऐसे associations बहुत काम आते हैं, ताकि उनके बच्चों के लिए जितना पैसा donation के through, और ये artists की भी बहुत बड़प्पन है कि ये actually उनकी रोजी रोटी है, लेकिन ये पेंटिंग के प्रोसीड्स उनके लिए जा रहे हैं, तो ये उनकी बहुत, उनका बड़प्पन है और खुशी की बात है कि ऐसे एनजीओज है जो इतने एक्सपेंसिव डिजीज़ के लिए काम करते हैं और बहुत मेहनत करते हैं, दिल जान लगा के मेहनत करते हैं। वेल, बस देसी मैजिक अपने अमीशा पटेल प्रोडक्शंस की अगली फिल्म, जो पहली फिल्म है और मेरी अगली फिल्म होगी, मैं चाहती हूँ कि बड़े पर्दे पे अब मैं आऊँ तो मेरी फिल्म लेके आऊँ। बहुत जल्द आप देखोगे अमीशा पटेल को देसी मैजिक में, और वो भी एक डबल रोल में। तो उस फिल्म शूटिंग, यस, मोस्ट ऑफ इट इज़ डन, इट्स 80% कम्प्लीट, सो इट इज़ गोइंग रिलीज इन द नेक्स्ट 3-4 मंथ्स। टीज़र ऑलरेडी रिलीज हो गया यूट्यूब पर, आपने तो देखा ही होगा। तो बस काम जा रही है। आई हैव लॉक्ड इन अ फ्यू, बट आई एम नॉट गोइंग टू मेक द अनाउंसमेंट राइट नाउ। द अनाउंसमेंट शुड हियर वेरी सून। आस्क रितिक दैट क्वेश्चन, एवरीवन वांट्स टू नो, एवरीवन इज वेटिंग फॉर मी एंड रितिक टू कम बैक ऑन स्क्रीन। आई थिंक कहो ना प्यार है कि जोड़ी अब तक लोगों के दिमाग में है, नशा उतरा नहीं है। और मैं समझती हूँ कि हाँ, बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत जोड़ी तो कहो ना प्यार की जोड़ी है ही। दैट यू हैव टू आस्क मिस्टर राकेश रोशन, बिकॉज आई थिंक जिस दिन कहोना प्यार है पार्ट 2 अनाउंस होगी, आई थिंक ये दुनिया, ये देश पागल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।